ये है देश की कोयला राजधानी धनबाद, कोयलांचल, जिसके कोयले से पूरे देश में जगमगाहट होती है। यहीं के कोयले से पूरे देश भर में बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के बैंक मोड़, जो कि हृदय स्थली कहा जाता है, उस बैंक मोड़ के ओवर ब्रिज पर अंधेरा छाया हुआ है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के बैंक मोड़ के ओवर ब्रिज में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। इस पूरे ओवर ब्रिज पर अंधेरा छाया हुआ है। हम आपको बता दें कि ये वही सड़क है जहाँ से प्रत्येक दिन एक अनुमान के अनुसार लगभग लाखों गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन अगर इसकी हम स्थिति की बात करें तो ये आज की बात नहीं है, बल्कि कई वर्षों से यही स्थिति है। लाइटें लगती हैं लेकिन कुछ समय के बाद ही लाइट की सुविधा नहीं मिल पाती है। आपको बता दूं कि बिजली विभाग की ओर से अगर कोई अपना बिजली बिल समय पर नहीं भुगतान करता है तो बिजली काट दी जाती है और उनसे मनमाना वसूला जाता है। लेकिन फैसिलिटी के नाम पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जितनी भी जनता है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि इस हृदय स्थली कहे जाने वाले बैंक मोड़ के ओवर ब्रिज में ना सिर्फ मरम्मती कार्य में देरी हो रही है, बल्कि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के जो तमाम शॉप्स हैं, अगर इसमें लाइट नहीं रहेगी तो शायद यहाँ पर घना अंधेरा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम आगे जाकर बात करें, जो बिरसा मुंडा चौक है बैंक मोड़ का, वहाँ पर पूर्ण रूप से अंधेरा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और रात में ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं कि बैंक मोड़ की इस समस्या से लोगों को कब तक निजात मिलता है, क्योंकि ये ओवर ब्रिज जिससे लाखों गाड़ियां प्रतिदिन आवाजाही करती है, अगर यहाँ ऐसी स्थिति है तो फिर बाकी क्षेत्रों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। कब तक यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है और कब तक यहाँ के मरम्मती कार्य को पूरा किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हम इस तरह के तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ श्याम बवी सिंह, द न्यूज़ फोर्स धनबाद।